हरियाणा के विकास के लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में सरकार नई नई योजनाओं के तहत प्रदेश के विकास को गति देने में लगी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने मीटिंग में हरियाणा के गुरुग्राम और नूह में बनने वाले जंगल सफारी के साथ साथ हिसार के नारनौंद में बन रहे म्यूजियम को लेकर अधिकारियों के साथ गहन मंथन किया। जंगल सफारी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 10,000 एकड़ में बनेगा जंगल सफारी, सभी विभागों को 7 दिन के अंदर फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी जंगल सफारी आकर्षक हो इसके लिए चर्चा हुई। 2 वर्ष में पहला फेज पूरा करने का टारगेट रखा गया। 3 फेज में पूरा होगा जंगल सफारी का प्रोजेक्ट। जंगल सफारी में अफ्रीकन कंट्री के ज्यादा जानवर लाए जाएंगे। सुल्तानपुर लेख की तरह माइग्रेटेड बर्ड के लिए झील की व्यवस्था पर चर्चा। विलुप्त होने वाली प्रजातियों को जंगल सफारी के जरिए बचाना सरकार का लक्ष्य है। गुरुग्राम कॉर्पोरेशन मानेसर और म्यूनिसिपैलिटी सोना, उनको कहा गया है कि 7 दिन के अंदर हम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करें। और आज उसका जो कंसल्टेंट्स हमने एंगेज किए हुए हैं, उसमें से एक कंसल्टेंट ने अपनी सारी प्रेजेंटेशन भी दिखाई है कि किस किस प्रकार से क्या क्या वो डेवलप करेंगे, क्योंकि अभी पीएमसी हमको तय करना है। दूसरी 2 PMCs आए हुए हैं, उसमें से एक एक हमने आज प्रेजेंटेशन देखी है, एक और देखेंगे, फिर दोनों में से जो भी अच्छा लगेगा उसको फाइनल करेंगे। लेकिन जो बताया गया उस कंसल्टेंट ने बहुत अच्छा विस्तार से और बहुत अच्छी जो वर्ल्ड स्पीशीज जितनी भी जू की होती हैं वो सब उन्होंने बताई क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। और जो इंडिजिनस हमारे जो अपने देश के भी इस प्रकार के जो जंगल में पाए जाने वाले जितने भी स्पेशीज हैं जानवरों की, उनका भी अलग से सेपरेट उसमें रहेगा। और ये एजुकेटिव भी होगा और ये एक प्रकार से मनोरंजन भी होगा। हर दृष्टि से एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये जंगल सफारी होगा। तो इस पर बहुत जल्दी काम शुरू करके, और हम समझते हैं कि जो हम 2 साल का हमने इसका टारगेट जो रखा है उसमें फेज 1 कम से कम कंप्लीट होगा, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट है, इसको 3 फेज में करके बनाया जा रहा है। फेज 1 इसका पूरा होगा, लोगों के लिए वो खोला जाएगा। वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार के नारनौंद के राखी गढ़ी में चल रहे म्यूजियम के निर्माण को लेकर के कहा कि राखी गढ़ी के प्रोजेक्ट के लिए ASI के साथ चर्चा हुई है। जल्द राखी गढ़ी का डिजाइन फाइनल होगा। पर्यटकों के लिए और कैसे आकर्षक हो इसके लिए चर्चा हुई। हरियाणा के सभी प्राचीन सभ्यताओं को बेहतर करना हमारा प्रयास। जैसा हमको पता है कि राखी गढ़ी एक ऐसा स्थान है जो हमारी पुरानी सभ्यता एक्सकेवेशन के माध्यम से जो भी हमको मिली है, उस स्थान को सुरक्षित रखना, उसको विकसित करना, लोगों के विजिटर्स के लिए उसको खोलना, ये काम भी ASI के साथ मिल करके और हरियाणा सरकार कर रही है। उसके सबसे पहले तो डिज़ाइन वगैरह उसका जो ASI ने बना के दिया है वो लगभग फाइनल हो गया, बाद में PMC उसका और बनाया जाएगा। विजिटर्स के लिए कैसे और आकर्षक बनाया जाए इस पर भी कुछ विचार हुआ है, और उस पर भी टाइमलाइन हमने शुरू की है कि एक उस काम को करने के लिए PMC नियुक्त जो करना है उसका टेंडर अब हो जाएगा। 15 जुलाई तक टेंडर होगा और 15 अगस्त तक मन उसको फाइनल कर लेंगे। और सारा टाइमलाइन ये बनाया गया है कि उसका जो म्यूजियम है आने वाले दिसंबर तक वो कैसे हम चालू करा सकें। इस प्रकार से इन सारे विषयों को डिटेलिंग जो सब हुई है, डिपार्टमेंट्स के लोग मिलकर के, इधर ASI हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट और उधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और केंद्र का जो MoEF मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये सब मिल करके इन कामों को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आज दोनों मीटिंग संपन्न। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, ताकि सूबे का पर्यटन विभाग आर्थिक दृष्टि से मजबूत बन सके। दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट।